बिल्ल रिम्स अल्लाम यूर व्यूवर्स कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सबके सामने एक्टिविटी थ्री पॉइंट टू करने वाली हूँ एक्टिविटी थ्री पॉइंट टू में जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इयर्स एज इनपुट एंड द्ले लीप ईयर इफ द इनपुट ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट ठीक है लीप ईयर होता है जिसमें आपके पास ना फरवरी में ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं तो आपने क्या करना है इसमें सिंपल सा सलूशन है इसमें आपने ना जो ईयर की वैल्यू होगी उसको फोर से डिवाइड करेंगे अगर फोर से डिवाइड हो गया रिमीडर जीरो आ गया दैन इट विल बी इट विल बी अ लेप ईयर तो उसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम आपके सामने लिखा है मैंने इनकलो स्टूडियो से आ, स्टार्ट किया है इसको ठीक है उसके बाद मैंने जी उसके बाद मैंने मेन सेक्शन स्टार्ट किया है बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन में कर्ली ली के साथ मैंने इस प्रोग्राम को लिखना शुरू किया है ठीक है सबसे पहले आपने अपने वेरिएबल्स जो हैं डिफाइन करने हैं यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर टाइप में मैंने डायरेक्टर डिफाइन किया है वो है ईयर लेट्स से आपके आगे टू थाउजेंड ट्वेंटी और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अभी जो करंट ईयर उसकी बात कर लेते हैं प्रिंट एफ़ और स्कैन एफ़ से आपने इसको इनपुट कराना है वैल्यू को एंटर द ईयर्स इन नंबर और एंटर द ईयर और ईयर इन नंबर ईयर ठीक है और स्केन ऐप से फिर आपने इसको निशलाइज़ कराना है परसेंटेज डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा बिकॉज इट इज़ अ इंटीजर टाइप डेटा उसके बाद आपकी स्टेटमेंट जो यूज़ होगी कंडीशनल वो होगी इफ़ स्टेटमेंट उसके साथ एसोसिएटेड कोड है इफ स्टेटमेंट के साथ जो आपकी कंडीशन होती है ना वो आपने यूज करनी है स्मॉल ब्रैकेट्स में ईयर इज डिविजिबल मॉड्यूल जो है ना फोर इज इक्वल टू जो जीरो यानी आपने ईयर की जो वैल्यू इनपुट की है वो फोर से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाएगा तो उसको क्या प्रिंट कर देगा कि वो ये लीप ईयर है ठीक है अदरवाइज आपने इसमें कोई और कंडीशन नहीं दी कोई और स्टेटमेंट नहीं दी एसोसिएट कोड कि अगर लीप ईयर नहीं होगा तो क्या होगा लेट्स हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी यहाँ तो मैं इसको जो है ना एग्जीक्यूट कराने वाली हूँ आपने इसको कंपाइल करके रन करना है एफ़ कीबोर्ड की बोर्ड से आप जो है इसको वो प्रेस करें तो इसके कंसोल स्क्रीन आपके पास आ जाएगी सबसे पहले वो आपसे ना इनपुट लेगा कि एंटर द इयर्स इन नंबर्स तो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें कोई भी नंबर करंट ईयर एंटर कर दें या कोई भी और ईयर जो है वो एंटर कर दें लेट से हम यहाँ पर कोई भी ईयर एंटर करते हैं जी तो यहाँ मैंने करंट ईयर जो है वो एंटर किया है करंट ईयर 2021 है अब करंट 2021 को मैंने फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता बल्कि रिमाइंडर वन आता है तो इसलिए उसको कुछ भी उसने प्रिंट नहीं किया ठीक है जो हमारी कंसोल स्क्रीन पे हमारा एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स एक्जीक्यूशन वो है ब्लैंक अब हम कोई और ईयर एंटर करते हैं जैसे 2020 थाउजेंड अपने उसको लीप ईयर प्रिंट कर दिया है तो इस एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी सिंपल और ये इसका सोल्यूशन मैंने स्क्रीन पर इसलिए लगा दिया है ताकि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं कोई और ईयर जो है उसको भी एंटर करके देखिए 2013 तो ये भी लीप ईयर नहीं था ठीक है लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी के 29 डेज होते हैं ठीक है तो आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल थैंक यू सो मच